सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानू ऑफिशियल। तो आज मैं नेल एक्सटेंशन कराने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं पार्लर में पहुँची एंड वहाँ पे जो मैम थी उन्होंने मेरे नेल्स पे मेरे को नेल एक्सटेंशन करना था, तो मैंने उनको बता दिया था, कलर वगैरह सेलेक्ट कर लिया था। उन्होंने थोड़ा रब किया नेल को, देन नेल सेलेक्ट करके मेरे नेल पे सेट कर रही थी कि मेरे नेल पे कौन सा नेल सेट हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे नेल्स थे, सारे नंबर वाइज थे, तो वो सारे नेल्स को सेलेक्ट कर रही थी एंड वो चेक कर रही थी कि कहीं गैपिंग वगैरह ना हो। एंड उन्होंने सारे नेल्स पे लगा के चेक किया, उसके बाद फिर उन्होंने साइड में सारे नेल्स को रख दिया एंड इन्होंने मेरे नेल्स पे थोड़ा सा, जो मेरे नेल्स थे ना, जो थोड़े नेल्स बड़े थे मेरे रियल नेल्स, तो उनको थोड़ा सा सॉर्ट किया उन्होंने। और पहले से मेरे नेल्स नहीं थे तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो उन्होंने बस सारे नेल्स पे एक बार ही, जो भी छोटे मोटे नेल्स होंगे वो उन सबको निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे नेल्स नीचे सेलेक्ट होकर रखे गए हैं, वो सारे नेल्स पे उन्होंने ग्लू लगाना स्टार्ट किया। एंड उनका ग्लू जो था ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे पकड़ उसकी बहुत अच्छी थी। जैसे उन्होंने लगाया और उसके बाद इसको थोड़ा देर तक प्रेस करके रखना है एंड उसके बाद, जैसे कि आप देख सकते हो, ये सेट नहीं हो पाया था फर्स्ट टाइम में मेरा, तो उन्होंने दोबारा से ग्लू लगा के अप्लाई किया एंड मेरे नेल्स पे लगाया तो सेट हो गया। उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है थोड़े देर तक, उसके बाद आपका नेल्स एकदम रियल लगेगा जैसा कि आप देख सकते हो। और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने फिनिशिंग किया था। देन इन्होंने नेल्स लगाने के बाद, सारे नेल्स सब मेरे कंप्लीट हो गए, तो जो नेल्स थे ना मेरे रियल नेल्स एंड जो फेक नेल्स थे, उन दोनों को ये थोड़ा एक लेवल पे ला रही थी, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता ना, तो थोड़ा सा ऐसे करने पे एक लेवल पे आ जाता है एंड सॉफ्ट हो जाता है। तो इन्होंने मेरे सारे नेल्स पे इन्होंने ऐसे ही किया एंड थोड़ा सा, मतलब इसमें बिल्कुल भी पेन वगैरह कुछ नहीं होता, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितने लॉन्ग रखने हैं नेल्स और कितने शॉर्ट रखने हैं, तो मैंने उनको बता दिया था, तो उस हिसाब से इन्होंने कट कर दिया था। एंड कट करने के बाद इन्होंने इस पर सेप देना स्टार्ट किया था। फिलहाल इन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैं सेप दूंगी ना, तो थोड़े से ये शॉर्ट हो जाएंगे, तो थोड़े थोड़े आप जैसे कि देख सकते हो लंबे हैं मेरे नेल्स, अभी ये सेप देंगी ना तो उसके बाद ये मैं उसके हिसाब से मेरे नेल सेट हो जाएंगे। देन आप देख सकते हो मैंने सेप सेलेक्ट कर लिया था और उसके बाद उस हिसाब से ये उस सेप पे बना रही थी एंड उसमें नेल कटर की भी ज़रूरत पड़ रही थी थोड़ा सा। देन उसके बाद आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में लास्ट तक आप जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको प्रॉपर नेल एक्सटेंशन इस वीडियो में मिल जाएगा कि कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो सारे नेल्स पे इन्होंने कट कर दिया और सेप बना दिया इन्होंने। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो उसके बाद बफर लेकर इन्होंने थोड़ा सा पुश किया मेरे नेल्स के जो क्यूटिकल्स थे उनको पुश किया। उसके बाद आप देख सकते हो अच्छे से पुश किया इन्होंने, बहुत ही लंबे लग रहे थे मेरे नेल्स। और उसके बाद इन्होंने पुश करने के बाद इन्होंने नेल को अच्छे से, जो क्यूटिकल्स होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा क्यूटिकल्स होते हैं, उसको कट आउट किया इन्होंने एंड फिर से ये उसको, उसके ऊपर ये मशीन चला के इसको लेवल में ला रही थी। सारे पे एक बार अप्लाई कर दिया इन्होंने कि जो नेल्स होंगे ना उसके फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी आ जाएगी, इसलिए इन्होंने अप्लाई कर दिया एंड इसको फिर से थोड़ा सा सेप जो थोड़ा बहुत रह गया था मेरा वो उन्होंने फाइनल कर दिया। और इसमें फ्रेंड्स टाइम तो लगता ही है, एक डेढ़ घंटा लग ही जाता है। फिलहाल मैंने सिर्फ एक हाथ का कराया था तो मुझे फिर भी अच्छे टाइम लग गए थे। और उसके बाद करने के बाद इन्होंने जेल अप्लाई किया। ओके फ्रेंड्स, तो ये बेस कोड अप्लाई करते हैं सारे नेल्स पे। देन ये अप्लाई करने के बाद इन्होंने मेरे सारे नेल्स पे किया था, ये थोड़ा सा थिक होता है और इसे थोड़ा मतलब हार्ड सा होता है, तो इसमें बहुत अच्छे से अप्लाई करना होता है जैसा कि आप देख सकते हो।
इन्होंने सारे नेल्स पे मेरे ऐसे ही इन्होंने सारे नेल्स पे अप्लाई किया, और उसके बाद ये जो है आप देख सकते हो मेरे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड यू भी लाइट में मैंने डाल दिया कि वो जो उन्होंने अप्लाई किया था ना वो सूख जाएगा अच्छे से, एंड यू भी लाइट में डालने के बाद उसके बाद आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से मेरे नेल्स पूरा ड्राई भी हो गया था, और बहुत ही अच्छा जैसा कि आप देख सकते हो कितने अच्छे से ड्राई हो गया है, और मेरे को एकदम रियल नेल्स लग रही थी, एकदम रियल नेल्स वाली फीलिंग आ रही थी। उसके बाद इन्होंने फिर से अप्लाई किया, एंड इसमें जो पाउडर आता है ना उसको लेके अप्लाई किया इन्होंने एक्रेलिक पाउडर को, एंड उसके बाद आप देख सकते हो उसको अच्छे से मिक्स कर रही थी दोनों को, मिक्स करके डिप करके। मुझे उतना नहीं पता बट मैंने उनसे पूछा कि है क्या ये, तो उन्होंने बताया मुझे। एंड आप देख सकते हो मेरा ये फर्स्ट टाइम था और बहुत ही अच्छा था ये, बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेरे नेल्स पे फिनिशिंग दिया था। इन्होंने जो ये अप्लाई किया था ना इसके ऊपर एक जेल वाली कोट मेरे नेल्स पे आ गई थी, और ये अच्छे से कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा बट ये आ गई थी जेल वाली कोट में पूरी। एंड इन्होंने सारे नेल्स पे मेरे सेम चीज करना स्टार्ट किया, और ये जो नेल्स है ना ये नेल्स आपके पानी में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप पानी में से आप कुछ भी कर सकते हो, आप फेस वॉश कर सकते हो, आप नहा सकते हो, नहाने पे भी ये नेल्स लॉन्ग टाइम चलते हैं। आपके नेल्स ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं कि आपके नेल्स अगर बड़े होते हैं ज़्यादा तो पीछे से वो छूटना स्टार्ट होंगे, एंड आप पीछे से उसको फिल करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आपको करानी है तो, बट ये नेल्स लॉन्ग टाइम चलते हैं एंड निकलते भी नहीं हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यूवी लैम्प में मैंने डाल दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि तुरंत ये जेल अप्लाई करने के बाद ना क्या होता है कि आपको यूवी लैम्प में डाल देना होता है, मैंने नहीं रखा था तो जेल थोड़ा स्लिप कर गया था साइड से, तो वो ठीक कर रही थी ये। उसके बाद फिर से इन्होंने मेरे उस नेल्स पे अप्लाई करना स्टार्ट किया, थोड़ा ख़राब हो गया था वो। एंड थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग सारे नेल्स पे देना इन्होंने स्टार्ट किया, और देख सकते हो फाइनल लुक मेरा कुछ ऐसा था। एंड फिर मैंने यूवी लाइट के अंदर अपने हाथ को डाल दिया, उसके बाद टाइमिंग सेट कर रखा था इन्होंने। उसके बाद फिर आप देख सकते हो इन्होंने एक टिश्यू लिया एंड उससे इन्होंने क्लीन किया। थोड़ा सा नेल्स पे जो भी शेप में जो होता है ना जैसे इन्होंने अप्लाई किया था तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया था, प्रॉपर नहीं जा रहा था, तो इन्होंने थोड़ा ऊपर से थोड़ा रब किया, एंड जहाँ जहाँ मेरा ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे वहाँ वहाँ सारे नेल्स पे इन्होंने बराबर कर दिया। एंड आप देख सकते हो एकदम इक्वल हो चुके हैं, पूरी फिनिशिंग हो चुकी है नेल की। एंड अब इस पे नेल पेंट अप्लाई किया जा रहा है, मैंने ये कलर सेलेक्ट किया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था फ्रेंड्स। आजकल ट्रेंडिंग में ये कलर चला हुआ है, लड़कियां जितनी भी होती हैं ना ज़्यादातर यही कलर सेलेक्ट करती हैं, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, तो मैंने भी सोचा आज मेरे को पिंक ही अच्छा लगता है, मैंने भी सोचा पिंक ही करते हैं आज, तो मैंने किया पिंक कलर। सो फ्रेंड्स, नेल पेंट लगा के और मैंने इस पे गोल्डन नेल पेंट भी अप्लाई किया था, रिंग फिंगर पे अप्लाई करेंगी, देख सकते हो आप इन्होंने टॉप कोट अप्लाई किया, उसके बाद मेरा ये फाइनल लुक, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मेरे हैंड, और आप देख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।